हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अभिनव नगी आप सबका स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप फॉर्मली ग्रेड अप पर। दोस्तों 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आपका बार का एग्जाम था, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, बहुत सारे बच्चे आने वाले साल 2022 या 2023 में भी इस एग्जाम को देंगे। तो मैं उसकी एक कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पर इस वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें आपके पास किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या हाइलाइट्स थे एग्जाम के, वो सब मैं आपको इस वेरी ब्रीफ सेशन में बताने वाला हूं। और ये सिर्फ उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है दोस्तों जो 2022 और 23 या अपकमिंग ईयर्स में बार का एग्जाम देंगे। ओके, तो दोस्तों सीधे चलते हैं आगे। एक बार पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं भाई कि बार का एग्जाम था, ऑनलाइन था, मेमोरी बेस ये सारे डाटा हैं। सबसे पहले उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम 40 से 45 बच्चों ने मेरे को मेल कर ये डाटा दिया है, और ऑफ कोर्स उससे भी कई ज़्यादा बच्चों ने ग्रेड अप की ऐप पर भी अपना डाटा और अपने रिव्यूज़ दिए हैं। तो उस सबका कंबाइंड मेमोरी बेस्ड जो एक निचोड़ बना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 100 थे, ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ओके, टोटल ये 300 थे, मतलब चार में से एक ऑप्शन था, एमएसक्यू नहीं आना था, ओके, नेगेटिव मार्किंग -1 थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, दोस्तों जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो आपके पास स्ट्रक्चरल वाले पार्ट के थे, जैसे कि आपके पास स्टील, सोम, आरसीसी या स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके, स्टील और आरसीसी अगर आप देखा जाए तो गेट में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, लेकिन हाँ बार्क में स्टील और आरसीसी, सोम, स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज के आए थे। दोस्तों मॉडरेट तो मैं नहीं कहूँगा एग्जाम को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द सेशन या अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम बहुत काफ़ी मुश्किल था इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को हम उस पर्टिकुलर समय 120 मिनट में कर पाएं, तो मैं इसको मॉडरेट टू टफ या ज़्यादातर टफ के फेवर में ही कहूंगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन जिस समय में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे तो उसके हिसाब से मैं इसको टफ की कैटेगरी में रखूंगा दोस्तों। ओके, ऑल्दो आपके पास स्ट्रक्चर वाले पार्ट ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन ठीक है, सॉइल वगैरह FM से भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन थे। ओके दोस्तों, जो से गुड अटेम्प्ट और कट ऑफ, देखो बार के लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है, गेट में नंबर ऑफ सीट्स इन एमटेक ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, ओके, पीएसयू का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होता रहता है, लेकिन क्योंकि बार्क में नंबर ऑफ सीट्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, हो सकता है कि भाई सीट बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ और कम चले जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन एक एवरेज पिछले बार 5 सालों का डाटा देखते हुए नंबर ऑफ सीट्स का सेफ अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट 70 out of 100 अगर आपका एक्यूरेसी 90-95% है, और कट ऑफ आपके पास 190-200 उम्मीद जाने की है आउट ऑफ 300। लेकिन फिर से दोस्तों बता दूं, अगर ये सीट्स और ज्यादा होती हैं हमारी एक्सपेक्टेड से, और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है पिछले 5 साल का एवरेज, तो दोस्तों ये वैल्यू कट ऑफ थोड़ा कम भी हो सकता है। ओके दोस्तों, मेमोरी बेस्ड है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, हर सब्जेक्ट से कितने थे आपको अप्रॉक्सीमेटली, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपके पास हर सब्जेक्ट से, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है दोस्तों क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड था। ओके तो मेन सब्जेक्ट से हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली इतने आए हैं, अपकमिंग ईयर्स में जो एग्जाम देंगे बच्चे उनके लिए फायदेमंद होगा ये। ओके दोस्तों, जो बहुत सारे बच्चों ने हमको बताया इतने समय में, इतने कुछ पिछले कुछ दिनों में, कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव थे, कि पहले एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस निकालो, फिर क्रिटिकल निकालो, फिर मूवमेंट और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो, वेल्डेड वाले क्वेश्चंस थे, कुछ डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल स्ट्रेस के थे, सोम में आपके पास कंसोलिडेशन परमेबिलिटी पे थे, लेकिन अमूमन आरसीसी और स्टील के क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव थे, और वो कैलकुलेटिव बच्चा कर भी ले, लेकिन गेट में एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलता है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट या 70 सेकंड थे, तो वो क्वेश्चंस उतने कम समय में कर पाना थोड़ा सा बच्चों को अच्छा नहीं लगा है। और जो बच्चे ऑलरेडी इस एग्जाम को दे के आ गए हैं दोस्तों, पेपर कैलकुलेटिव था, एग्री, थोड़ा सा लिटिल बिट टफर था अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, एग्री, लेकिन दोस्तों एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं और बच्चों से बेहतर परफॉर्म करना है, तो जिस तरीके से आपके लिए कैलकुलेटिव था, जिस तरीके से आपके लिए वो थोड़ा सा टफ था या टाइम कम था, उसी तरीके से बाकी बच्चों के लिए भी था। ओके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, आपके पास बायजूस एग्जाम प्रेप पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, विजन, ओके, 2022 के बच्चों के, 2023 के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, और प्रैक्टिस कोर्स रैंकअप चल रहा है, और भी बहुत सारे बैचेस टेक्निकल नॉन टेक्निकल चल रहे हैं जिनका आप फायदा ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आप कोड लगाते हैं DEAL25 तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, और मैक्सिमम दोस्त जो बार दे चुके हैं, जो अपकमिंग ईयर्स में देने वाले हैं, उनको ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। Thank you, friends, everybody.